स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट रिएक्शन मिक्स के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, DRDO पिछले कुछ समय से बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और नए नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, और डिफेंस के मामले में तो वो जबरदस्त तेज़ी से काम कर रहा है। नई नई टेक्नोलॉजीज इंटीग्रेट कर रहे हैं हमारे आर्मी के लिए, और अभी ही मैंने मेजर साहब की वीडियो में इसके बारे में सुना भी था कि DRDO ने रेड के ऊपर कैमरा लगाया है और उसको कंट्रोल करने के लिए भी रैट के ब्रेन में चिप लगाई है, तो जहाँ चाहे वो उस रैट को भेज सकते हैं, हिडन कैमरा की तरह यूज़ कर सकता है सर्विलेंस करने के लिए। तो देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या हमें जानने को मिलता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, DRDO ने भारतीय सेना के लिए बना डाला ऐसा हथियार जो दुश्मन ने ना तो अपनी पूरी जिंदगी में देखा होगा और ना ही इसके बारे में सुना हो। चीन पाकिस्तान ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत आम से आम चीजों को उनके लिए मौत का हथियार बना डालेगा। दोस्तों, हम सभी भारत किसान DRDO के बारे में अच्छे से तो जानते हैं, जिसने चीन और अमेरिका जैसे देशों के भी पसीने छुड़ा रखे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने अपनी युद्ध नीति को पूरी तरह से बदल दिया है और भारत चाहता है कि पूरब और पश्चिम से लगी सीमा पर सिर्फ भारत द्वारा बनाए गए स्वदेशी हथियार ही तैनात। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए भारत के सैकड़ों रक्षा वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत करके एक से बढ़कर एक हथियारों को तैनात कर लिया है। और आज कुछ ऐसी स्थिति है कि भारत के पास कुछ ऐसे हथियार है जो अमेरिका और रूस जैसे सुपर पावर देश के पास भी नहीं। बात चाहे लड़ाकू विमान की हो, या समुद्र में तैरते एयरक्राफ्ट कैरियर डिस्ट्रॉयर, या फिर समुद्र के अंदर पनडुब्बी की, सीमा पर तैनात छोटे से लेकर बड़े मिसाइलों की, भारत ने इन सभी हथियारों की रेंज और ताकत को बढ़ाने का काम किया है। दरअसल दोस्तों, भारत के DRDO ने जासूसी चूहों की एक पूरी फौज तैयार कर ली। जी हाँ, आपने सही सुना। अब DRDO के वैज्ञानिकों ने युद्ध के समय काम में लिए जाने वाले छोटे छोटे जंगी चूहों को तैयार किया है जो अब दुश्मन को सबक सिखाते नजर आएंगे। दोस्तों, दुनिया भर के देश अपने दुश्मन देशों से मुकाबला करने के लिए तकनीक को एडवांस करने में लगे हुए हैं। अब वो जमाना गया जब आमने सामने का दमखम मायने रखता था। आज तकनीक के जरिए भी कोई भी देश अपने दुश्मन देशों को धूल चढ़ा सकता है। इसराइल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। चारों ओर से अपने प्रतिद्वंदियों से घिरने के बावजूद तकनीक के दम पर इस देश ने अपना दम दिखाया। भारत भी अपने दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए तकनीक पर जोर दे रहा है। दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों ने यह पहले ही कह दिया है कि भविष्य में मजबूती के साथ वही देश खड़े हो पाएंगे जिनकी तीनों सेनाएं नई तकनीक के साथ अपना तालमेल बैठा पाएंगे। दोस्तों, आपको भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का वो बयान तो याद ही होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि जल्द ही भारत भविष्य में कुछ ऐसे ऐसे हथियारों को बनाकर तैयार कर लेगा जो दुश्मन ने ना तो देखा होगा और ना ही सुना होगा, और इन हथियारों की काट हमारे दुश्मन के पास भी नहीं होगी। खास रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के वैज्ञानिक खास चूहों को बना रहे हैं जो दुश्मन की खुफिया निगरानी कर सकेंगे। दोस्तों, इस वक्त अगर हम देखें तो चीन भारत की सीमा पर बार बार घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। हाँ। भारत की कई जगहों को अपना बनाने के लिए वो नई नई चालें चल रहा है जिसके लिए वो लगातार सीमा पर अपने सैनिकों और हथियारों की संख्या को बढ़ा रहा है। भारत चीन की इन्हीं घुसपैठ को रोकने के लिए और इनकी सटीक निगरानी करने के लिए खास तरह की चूहों की फौज को तैयार कर रहा है। ये कोई मामूली चूहे नहीं है बल्कि ये DRDO के बेहद शानदार तकनीक से लैस ये चूहे दुश्मन के साथ क्या क्या कर सकते हैं और किस तरह दुश्मन की रणनीति को खत्म कर सकते हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, इन्हें रेड साइबोर्ग कहा जा रहा है। इनका इस्तेमाल सैन्य बलों के अभियानों के दौरान भी किया जा सकेगा। इनके जरिए आसानी से उन जगहों की निगरानी की जा सकेगी जहां ड्रोन कैमरे आदि नहीं पहुंच सकते। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार DRDO के यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी यानी DYSL के निदेशक PCU प्रसाद जी ने बताया है कि विदेशों में कुछ जगहों पर यह तकनीक पहले से ही मौजूद है। भारत में ऐसी तकनीक पहली बार विकसित की गई है। रेड साइबोर्ग के सिर पर एक कैमरा लगा हुआ होगा जो चूहे के दिमाग में लगे इलेक्ट्रोड से सिग्नल को रिसीव कर सकता है। ऐसे में DRDO के इस नए हथियार को काफी काम का माना जा रहा है क्योंकि भारत का चीन के साथ लद्दाख में तनाव है और पहाड़ी इलाका होने के कारण वहाँ पर ड्रोन या फिर किसी तरह के जासूसी हथियार काम नहीं कर सकते, और काम करते भी हैं तो आसानी से चीन की नजर में आ सकते हैं। चीनी सेना उन्हें आसानी से मार गिरा सकती है।
लेकिन DRDO जिस तरह के जासूसी चूहे तैयार कर रहा है वो ना तो दुश्मन की पकड़ में आएंगे और ना ही चीन उन्हें मार गिरा सकेगा। यह पहली बार है जब भारत किसी जीव को हथियार के रूप में तैयार कर रहा है। इस तकनीक की मदद से दुश्मन के सैन्य ठिकानों की खुफिया निगरानी में मदद मिलेगी। PCU प्रसाद की माने तो इस प्रोजेक्ट के पहले दौर का परीक्षण पूरा हो गया है, जिसमें चूहों को ऑपरेटर की मदद से निर्देश देकर कंट्रोल किया जा रहा है। दूसरे चरण में वैज्ञानिकों को रेड साइबोर्ग के सिर पर लगे कैमरों के जरिए इमेज मिल सकेगी। इस तकनीक का इस्तेमाल दुश्मन देशों से होने वाली हमले के दौरान किया जा सकता है। 26/11 जैसे आतंकी हमले की स्थिति में रेड साइबोर्ग का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे हमलों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान की जरूरत होती है, तब रेड साइबोर्ग अपनी क्षमता दिखा सकते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो रेड साइबोर्ग किसी भी बिल्डिंग में घुसकर दीवारों पर चढ़कर अंदर की तस्वीर बाहर भेज सकते हैं। चूहे संकरे रास्तों से गुजरते हुए हर उस जगह का ब्यौरा भेज सकते हैं जहां आतंकी मौजूद। साथ ही PCU प्रसाद के मुताबिक चूहों में ऐसे कामों के लिए बहुत ज्यादा सहन शक्ति होती है। उन्होंने कहा कि रेड साइबोर्ग के खाने पीने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि वो मुश्किल हालात में भी सैनिकों की मदद पहुंचाने के लिए फिट रहे। खैर दोस्तों, आपका DRDO के इस खास जासूसी हथियार के बारे में क्या कहना, हमें कॉमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। बहुत ही जबरदस्त काम किया है DRDO ने। वैसे तो ये मिसाइल्स, डिस्ट्रॉयर्स, सबमरीन्स, ड्रोन्स ऐसी चीज़ें तो बना ही रहा है, और वो भी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बना रहा है कि हमें उसको इंपोर्ट करने की दूसरे देशों से ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब वैसे तो हम अभी भी कई सारे हथियार हमारे बाहर से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम अब दूसरे देशों पे निर्भर नहीं रहते, हम खुद ही बनाते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। और ये टेक्नोलॉजी जो रेड साइबर जो DRDO ने बना है, वैसे तो बाहर वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, लेकिन उनके पास से वो इंपोर्ट करने की बजाय हमने खुद ने ही बना है, तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। और इसका इस्तेमाल भी बहुत ही क्या कहे उसको, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि 26/11 का एग्जांपल दिया, अगर ये हमारे पास होता तो इससे आसानी से हम इसको अंदर भेज के वो आतंकवादी की लोकेशन या क्या हथियार है वो सब हम इंफॉर्मेशन ले सकते थे। लेकिन अब जो इस पे काम हो रहा है और आने वाले कुछ समय में ये 100% या फील्ड में डिप्लॉय करने के लिए अगर तैयार हो जाता है, तो ऐसी टेररिस्ट सिचुएशन में या चाइना वाली बॉर्डर पे ये बहुत ही हमारे आर्मी के लिए बहुत ही मददगार होगी। तो आपके क्या विचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिए, और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए।